तेजस्वी यादव जी के द्वारा सत्ता पक्ष के राष्ट्रपति की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बारे में मूर्ति शब्द का प्रयोग करना इस देश के समस्त महिलाओं का अपमान है। एक आदिवासी महिला जो गांव से उठकर विधायक बनी हो और सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार जीता हो, जिसका राज्यपाल का कार्यकाल इतना निर्विवादित रहा हो कि हेमंत सोरेन को भी उन्हें वोट करना पड़ रहा हो, अगर वैसे एक गांव की महिला राष्ट्रपति बनती है तो परिवारवाद वाले सभी लोगों को यह बहुत कचोटता है। तेजस्वी यादव जी को अपना बचपन याद आ गया होगा कि किस तरह बिहार के सभी तथाकथित समाजवादी नेता ने एक घरेलू महिला को अपना मुख्यमंत्री मानकर उसकी गुलामी का काम किया और इसलिए वह देश की सभी महिलाओं को वही महिला मुख्यमंत्री के रूप में ही पहचान कर पाते हैं। उन्होंने जो बयान दिया है उसके लिए उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। यह हर उस पिछड़ी महिला, हर अनुसूचित जाति जनजाति की महिला का अपमान है जिसने अपने मेहनत से एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। तेजस्वी यादव जी की जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है।